रचना है। हम कहे भौजी धन निकार, धन निकार, धन निरंकार। नेता भूजी राज बोले भौजी, देख तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ मेरा नाम हूँ, मेरा नाम और मेरा काम क्या है। लेकिन भाई लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम और मेरा काम क्या है। इसलिए सबसे पहले तू मेरे बारे में बता दे। भैया बाबू हरा, काका दादा हरा, हमारे बहनिया हरा, हमारे भाई अच्छा बढ़िया बा। भौजी बतावा ही आवा, ए भौजी ई बतावा जब तोहार कबूल लेहे नाही ई बताओ, जब भौजी तोर कबूल लेहे ना आए नौना, तो ई बताओ भैया हरन सामने में अब आज हम तोरे मुहनत कैसे ले। मेरी सासू माँ है जिसका नाम पर्वतिया है और मेरी एक देवरानी है जिसका नाम सावित्रिया है और एक देवर है जिसका नाम संतोष है। और मेरे स्वामी जी हैं जिनका नाम पंकज कुमार है। जिनका नाम पंकज कुमार है, मुझे इस घर में इतना दिन आए हो गया लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। मुझसे ढेर पास में मेरी देवरानी आई है सावित्री, उसके कोख से एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम शिवम कुमार है। उसी के पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा सत्यानाश होता जा रहा है। इसी धन दौलत के लालच में मैं अपने पति को शराब पीना सिखा दिया, जुआ खेलना सिखा दिया, यहाँ तक कि इसी धन दौलत के लालच में मैं अपने मायके वाले यानी अपने माँ बाप भाई को बोटी बोटी कटवा डाली। लेकिन मैं इस मकसद में कामयाब न रह पाई। मेरे पति जी
में सोची कि शराब पी रहे फिर उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन उनकी शराब बढ़ती ही चली जा रही है। जब देखो मुझे दारू पीने का पैसा चाहिए, सारा पैसा मुझसे मांग मांग के ले जाते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। लेकिन आज से मैं भी अपने दिल में ठान ली हूँ, अगर पैसा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें एक पैसा नहीं दूंगी, एक पूरी कारी नहीं दूंगी। अब मैं चले हूँ कमरे में आराम करने। नेता ये बताओ भैया क्या चल रहा यार? ये बताइए कैसे तुमको काना हुआ? काना नहीं, आधा हो गया। अबे कैसे तुमको आना हुआ? दारू मैं पीता हूँ, नशा इसको चढ़ जाते हैं यार। तू पहले बता तेरी भाभी है कि नहीं? यार भाई तो ना भक्ति है क्या? भक्ति नहीं, हम काट तो वही दिखाऊ तो का वही ना बाबू जी। बात बाबू जी अपने 12 नंबर बैठी अगर 16 नंबर बैठी होगी रे मुर्गी है क्या बेहू है? इतनी खूबसूरत बीबी को मुर्गी बना दिए ब्राउन दे ब्राउन मेरे दारू उतार देगा भाई, कोई बात है क्या? बिया तो नहीं बात है क्या? मैं इतना खुश सुनता है, ये देखो संस्कार है, ये होता है संस्कार। मैं इस दुनिया के सबसे खुश नसीब मर्द हूँ। इतनी खूबसूरत बीबी पाने के बाद जितनी खूबसूरत मेरी बीबी है ना, उससे कई गुना खूबसूरत इनका मेरे लिए प्यार है। स्वामी जी कैसे आना हुआ आपका? बता रहा हूँ प्रिय, मेरी बात सुनो। मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे पैसा दो, अब मुझे दारू लाना है। स्वामी जी आपको पैसा दूँ आप दारू लाएंगे? स्वामी जी मेरी बात सुनिए, अरे बाजी है कोई,
का पैसा बीबी से मांगो नहीं देती है तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त भी करते हैं, कैसे करते हैं? अरे तुझे मार करके सीधे अगली से ठीक नहीं करता, कैसे जाते हैं यार? जब तक इनके ऊपर डंडा ना पड़ेगा, ये दारू का पैसा नहीं देती है। दारू के लिए एक बार डंडा चाहिए उनको। तुझे मार करके लगा तू ठिकाने, तुझे मार करके लगा तू ठिकाने, मेरी बात तू जो अगर ना करोगी क्या? मुझे मरवा दोगी? अरे दारू पीना तूने सिखाया है तो पैसा तुम्हें तो देना पड़ेगा, क्यों ना साथी? अगर दारू पीना सिखाया है तो पैसा तुम्हें ही देना पड़ेगा। लेकिन इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात है जानू, जब तुम गुस्से में होती है ना, और भी सुंदर लगती हो। बाय बाय। अरे तो हमारा नाम का सही देवी का ये है मोटा मारे, अगर यह घरे खमता है सुना सुना का ये तो कल वही देवी ना भगवती द्वारा जवन आधार जान तो हमारा सास हो तू कहता हमारा सास हो तू खाए डर माते ही यह जगह मोटा मारे जैसे सबके हंसी जाती बात देवी की बात हरे राम भालू।
बहू घर में है? बैठी है तो ठीक है, आओ चलते हैं मुलाकात करते हैं बेटा। क्या जवानी है, अरे लाखों में एक है। बहू को बुलाऊं? बुलाओ। अरे ओ बहू, और किसे बताओगी? अरे रो मत बहू, क्यों रो रही हो? भैया मेरा मालिक भैया राज बहादुर भैया, अगर आप जहाँ गए वहाँ तो आप तुरंत स्टेट के पीछे चले आए भैया, ये हमारे मास्टर साहब आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा बहू, पंकज आया था तुझे दारू पीने के लिए पैसा मांगा और इनकार करने पे तुम्हें बहुत मार मारा है। क्या स्क्रीन फिट है रे बाप रे, जब दुलगुन तो मोबाइल डाल दिया जाए। क्या सन 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 बहू, जरा एक बार अपना घूंघट उठा दो, इस बुढ़ापे में जवानी आ जाए। क्या कह रहे हो बाबूजी? हाँ बहू, मुझे नाच रखेंगे। अरे नाच की क्या बात है बहू, एक बार दिखा दो ना। कहीं कुएं में डाल दिया हम सकल मूर्ति दोबारा न बन सके। क्या घोड़ा घोड़ा गाल है, गालों पे काला काला तिल है, क्या पतली कमर है, जैसे आम की आँखी है। अरे बहू इधर आओ ना बहू, जरा एक चुम्मा दे दो तो जिंदगी में बाहर आ जाए। ले लो।
सकता हूँ बहू। अरे सुनो प्यारी बहू, अरे सुनो प्यारी बहू, हमारी हमारी